नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर हाजिर एक नई लोकेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही प्यारे विला के साथ। पार्क फेसिंग हाउस लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए एरो सिटी एफ ब्लॉक में। 40x75 की जो है इसकी डायमेंशन रहेगी, 325 गज का बहुत ही प्यारा दोस्तों आज का जो है घर रहेगा। बाकी यहाँ से जो एयरपोर्ट रोड है हार्डली 500 मीटर आपने अंदर आना है। एफ ब्लॉक में जो है हाउस रहेगा, घर के बाहर आपको बहुत ही स्पेशियस रोड्स मिल रही है। और फिर मैं बता दूँ, बहुत ही स्पेशियस आपको यहाँ पे पार्क मिल रहा है। जेंट्री बहुत अच्छी है, जो भी आसपास घर है सारी अच्छी जेंट्री के रहने वाले हैं। इन्वायरमेंट बहुत ही प्यारा है और घर का आप एलिवेशन देखिए कितना खूबसूरत है। आपको घर का एलिवेशन दोस्तों मिलने वाला, बिल्कुल रॉयल वाला फील आने वाला है इस घर में आपको। इसमें हमने बेसमेंट में 2 बेडरूम बना रखे हैं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर 2 रूम बना रखे और 3 हमने ऊपर बना रखे। टोटल 7 BHK का ये हाउस रहेगा। डेली नीड्स की शॉप बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में रहेगी। स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा साहिब, टेंपल वगैरह सारा जो है आपको बिल्कुल नियर बाय मिल जाएगा। अब मैं करवाती हूँ इस घर का टूर आपको, चलिए आइए। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं घर के कॉर्नर से। घर का कॉर्नर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा आ रहा है, बिल्कुल दुबई जैसा फील आपको इस घर में आने वाला है। वेंटिलेशन का, सनलाइट का कोई भी इशू नहीं रहेगा। देखिए कितना प्यारा इसमें ग्लास वर्क किया हुआ है। साइड एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और बहुत ही लग्जरी चीज़ बनी हुई है। कॉर्नर हाउस है, पार्क फेसिंग है, मैंने आपको बता दिया। और साइड साइड पर देखिए कितनी फैंसी लाइटिंग लगा रखी है और अंदर हमने प्रॉपर प्लांटेशन भी की हुई है। चलते अंदर की तरफ। वॉल पे आप देखिए, वॉल पे जो है हमने प्रॉपर जो है मैट लुक में जो है वर्क किया हुआ है। आयरन की ग्रिलिंग की हुई है यहाँ पे। फ्रंट से इस तरह से ये एलिवेशन रहेगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव जो है घर का एलिवेशन रहेगा। इसमें हमने LED लाइट्स लगा रखी है और मेन देखिए एलिवेशन पे बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है। ऊपर POP डिजाइनिंग बहुत ही बढ़िया की गई है। इस साइड से जो है यू शेप में वर्क आ जाएगा, प्रॉपर ग्रिलिंग वर्क किया हुआ है। आइए घर के अंदर इजिली आप, मतलब आपको गाड़ी की बहुत बड़ी गाड़ी की एक पार्किंग मिल रही है, कार पार्किंग आपको बाहर भी मिल रही है। आइए वॉल पे देख सकते हैं आप, वो मैट वर्क किया हुआ है और इस साइड जो है प्रॉपर ग्लास वर्क किया हुआ, जिसे अगर आप घर के बाहर से देखते घर की जो अट्रैक्शन है बहुत ही प्यारी आती है। और ऊपर देखिए आप बालकनी बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपको यहाँ पे वर्क मिल रहा है। आइए आप चलते हैं गार्डन की तरफ। गार्डन भी बहुत ही प्यारा, मतलब अभी हमने घास वगैरह लगा दी, घर अभी रिसेंटली जो है हमारा रेडी हुआ है। इस साइड जो है हमने प्रॉपर प्लांटेशन लगा रखी है और इस साइड जो है हमारा हाउस नंबर आ जाएगा, बहुत ही प्यारा, मतलब इसमें नंबर प्लेट लगा रखी है। इस साइड देखिए आप, लाइक यहाँ से तो एंट्री है ही है घर की, बैक साइड से भी एक जो है हमने आपको एंट्री दे रखी है। जैसे घर पर कोई टेनेंट वगैरह या मेड वगैरह नहीं आना, तो उसके लिए हमने बैक साइड से भी एक एंट्री रखी हुई है। और ये देखिए साइड एलिवेशन कुछ अंदर से आप, कितना प्यारा आ रहा है, प्रॉपर POP वर्किंग आ रही है और बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग के साथ लग रहा है ना, खूबसूरत अंदर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों ये घर। जितना बाहर से मतलब इतना खूबसूरत है, उतना ही अंदर से है। और 4 स्टेप में जो है हमारी एंट्री रहेगी, मार्बल लगा हुआ आप देख सकते हैं। और ये मेन एंट्री आ जाएगी, डोर सेट का जो है हमने इसमें स्मार्ट स्विचेस जो है लॉक लगा रखा है। और डिजाइनिंग देखिए आप डोर की कितनी अट्रैक्टिव है। आइए तो गाइस सबसे पहले ये देखिए, ये आपका लिविंग एरिया आ जाएगा। देखिए LED पैनल मिल रहा है आपको यहाँ पे, ऊपर बहुत ही प्यारा जो है फॉल सीलिंग वर्क मिल रहा है। फैंस इसमें हम लगा के आपको दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है बेसमेंट का टूर करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाऊंगी। ये जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया था, ये साइड एलिवेशन आ जाएगा। बेसमेंट में आपको 2 बेडरूम मिल रहे हैं। आइए लाइक आपने छोटा मोटा फंक्शन करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए कितनी कितना बड़ा जो है आपको यहाँ पे हॉल मिल रहा है। फॉल्स सीलिंग डिजाइनिंग देखिए, फैंस देखिए, मतलब आपको यहाँ पे 5-6 फैंस मिल रहे हैं इस पूरे बेसमेंट एरिया में। देखिए जैसे आप घर में फंक्शन वगैरह करते हो तो रूम्स, तो अगर आप नीचे फंक्शन वगैरह करते हो तो प्रॉपर रूम्स दे रखे। जैसे आपके गेस्ट वगैरह आ जाते तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। ये आपका वॉकिंग क्लोसेट आ जाएगा गाइस। देखिए इस साइड से भी स्पेस दे रखी है। ये देखिए ये सेकंड बेडरूम का आ जाएगा, मैं लाइट से जो वो ऑन कर देती हूँ। ये देखिए लाइक वॉशरूम के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। ये वॉशरूम में जो सेंटर में वो कॉमन आ जाएगा, अभी थोड़ा मैसी हो रखा बिकॉज अभी घर का जो है काम चल रहा है। आइए वॉशरूम भी बहुत ही स्पेशियस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। कॉलर की वॉशरूम में फिटिंग्स आपको मिल रही है, प्रॉपर हमने ग्लास की पार्टीशन कर रखी है। इस साइड देखिए आप,
कितना खूबसूरत जो है आपको यहाँ पे टाइल वर्क देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये था हमारा बेसमेंट का एरिया। लाइक बाहर से ही चलते हैं हम, दो एंट्री रहेगी, एक तो यहाँ से आगे देखो एंट्री, ये भी एक स्पेस दे रखी है। वाओ स्पेस तो बहुत ज़्यादा आपको दे रखी है, लाइक एज ए किचन नहीं है, किसी की पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, 2+1 जो है नीचे दे रखा है। लाइक आपने वॉशरूम बनाना हो या किचन के लिए भी जो है यहाँ पे प्रॉपर टैप वगैरह लगा रखी है, आप एज अकॉर्डिंग टू यू जो है यूज़ कर सकते हैं। इसे एसी वगैरह के भी जो है ऑलरेडी वायरिंग डाल रखी है। तो जो है बेसमेंट में जाने के लिए दो एंट्री दे रखी है, एक तो इस साइड से आ गई बाहर से, मतलब किसी ने बेसमेंट में जाना तो डायरेक्ट जा सकता है, एक अंदर से इस साइड से आ गई। ऊपर फॉल सीलिंग वर्क बहुत ही खूबसूरत मिल रहा है विद लाइटिंग वर्क। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, बहुत ही स्पेशियस, लाइक आपको वॉशरूम मिल रहा है, सामने का व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है तो उधर के प्रॉपर विजिबल नहीं है। LED पैनल मिल रहे हैं, लाइक आपको पूरा जो घर है सेमी फर्निश मिल रहा है। ये देखिए ये आपके वार्डरोब्स आ जाएंगे, बहुत अच्छी ह्यूज स्पेस मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। ये देखिए फुल हाइटेड रहेंगे, अटैच आपको वॉशरूम मिल रहा है और जकूजी भी दे रखा है यहाँ पे आपको, देख सकते हैं आप। और प्रॉपर ये जो है लॉकेबल रहेगा, यहाँ पे हमने ग्लास की जो है पार्टीशन कर दी है और वॉल हैंगिंग्स रहेंगी और कॉलर की फिटिंग रहेगी। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम से पहले मैं बता दूं एक स्पेस यहाँ पे भी दे रखा है वॉशरूम का आपको, ये कॉमन वॉशरूम आ जाएगा आपका एंड दैट इज़ योर सेकंड बेडरूम। इसमें आपको प्रॉपर पैनलिंग मिल रही है, ऊपर बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग वर्क मिल रहा है, लाइटिंग वर्क एंड फैंस। इस साइड आपके वॉकिंग क्लॉसेट आ जाएंगे गाइस। और ये देखिए वॉशरूम, प्रॉपर हर एक वॉशरूम में जो है ग्लास की पार्टीशन हम करके दे रहे हैं और टाइल वर्क भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किया गया है यहाँ पे। फ्रंट में तो बहुत अच्छी स्पेस है, बैक साइड भी बहुत ही स्पेशियस आपको जो है स्पेस मिल रही है। ये मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, पहले मैं ये दिखा देती हूँ प्रॉपर जो है हमने पूजा रूम है जो यहाँ पे रेडी किया हुआ है। आपने लाइक यहाँ पे डोर वगैरह करके या पर्दा वगैरह कर्टेंस लगा के इसे जो है हाइड भी कर सकते हैं। किचन देखिए, डॉरसेट की किचन रहेगी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ट्रेंडिंग, मोस्टली ये जो है फॉरेन वाला कंसेप्ट इस किचन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। किचन हॉब दे रखी है ऑलरेडी, चिमनी ऑलरेडी हमने लगा रखी है, ऊपर फैंस, लाइटिंग वर्क बहुत ही खूबसूरत दिया गया है। आप टैब्स देखिए कितनी डिजाइनर जो है आपको टैब्स मिल रही है यहाँ पे। ये देखिए मूवेबल रहेंगी, डबल बाउल सिंक रहेगा, साउंड प्रूफ रहेगी, ऊपर बर्तन वगैरह जैसे गीले बर्तन है उसके लिए स्पेस दे रखी है और नीचे ट्रे दे रखी है, पानी वगैरह इकट्ठा हो जाए तो आप थ्रो आउट कर सकते हैं इजिली। आरओ चिमनी जो है ऑलरेडी, चिमनी तो हम दे ही रहे हैं, आरओ का प्रोविजन करके दिया हुआ है। इस साइड जो है आपकी पेंट्री आ जाएगी, ये देखिए बॉक्सेस वगैरह या ग्रॉसरी का कोई भी सामान रखना आप वो रख सकते हैं। इस साइड भी बहुत अच्छी स्पेस आपको मिल रही है, लाइक आपने OTG ओवन वगैरह रखना आप वो रख सकते हैं, ऊपर बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। ये आपका मिनी ब्रेकफास्ट टेबल आ जाएगा और जो डबल फ्रिज है उसके लिए भी स्पेस दे रखी है आपको। इस साइड भी आपको पैनल दिया हुआ है प्रॉपर, ये देखिए, और इस साइड भी काफ़ी अच्छी तरह जो है कवर की और ऊपर वुडन की जो है वर्किंग की हुई है, लाइक पार्टीशन की है, दैट इज योर बैकयार्ड स्पेस। जैसे आपके घर में मेड वगैरह आ जाती तो किचन में काम वगैरह उसके लिए अलग से एक मेड के लिए एंट्री दे रखी है। बैक साइड भी जो है आप गाड़ी जो है पार्क कर सकते हैं इजिली, यहाँ पे भी दो गाड़ियों की पार्किंग आपको मिल जाएगी। अंडर स्टोरेज वाटर टैंक मिला प्रॉपर, टैप्स की इसमें प्रोविजन की, और देखो ये पार्टीशन भी की हुई है ऑलरेडी। सो गाइज अब चलते हैं टॉप फ्लोर की तरफ। सो गाइज आगे हम फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे देखो पार्टीशन की हुई है प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की और नीचे ग्लास वर्क किया हुआ है। फ्रंट में जो है आपको बालकनी मिल रही है, ये देखिए बहुत ही स्पेस मिल रही है आपको, जैसे आपने शाम को टी कॉफी इंजॉय करनी है बैठना हो, बाहर का व्यू बहुत मस्त आने वाला। अभी 7 से 7:30 का जो है टाइम चल रहा है और व्यू देखिए आप बाहर का, बाहर की जो घर की आउटर लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है। सो गाइज इस साइड भी बहुत ही स्पेस आपको मिल रहा है, आप एज अकॉर्डिंग टू यू अपने हिसाब से इसे प्लान कर सकते हैं, लिविंग एरिया बनाना हो वो बना सकते हैं। ये देखिए इसका जो है बालकनी के साथ जो है ये कनेक्टेड रहेगी और प्रॉपर UPVC विंडो है, साउंड प्रूफ और मैश
विंडो भी हमने लगा रखी है, फॉल्स सीलिंग डिजाइनिंग भी बहुत ही डिसेंट आपको मिल रहा है, और कॉर्नर के हिसाब से ये डिजाइनिंग देखिए बहुत ही प्यारी आपको मिल रही है। यहाँ पे ऊपर भी आपको किचन मिल रही है, जैसे दो फैमिलीज के लिए इनफ है ये घर, नीचे अगर ग्राउंड में कोई रह रहा तो ऊपर के लिए भी प्रॉपर अलग से किचन है देखिए, और इस साइड जो है प्रॉपर पेंट्री दे रखी है, सारी कबोर्ड्स आपको, सॉरी जो आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं बहुत अच्छी स्पेस के मिल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ह्यूज स्पेस के साथ आपको बेडरूम मिल रहे हैं। इस फ्लोर पे जो है आपको 3 बेडरूम मिल रहे हैं, टोटल 7 BHK का ये हाउस है। इस साइड भी आपको प्रॉपर जो है पैनल हमने लगा रखा, और फ्रंट पे हर रूम के साथ आपको बालकनी भी मिल रही है अटैच। ये देखिए ये वॉकिंग क्लोसेट है, जैसे आपने नीचे देखा ना ऊपर ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट आ गया, वॉकिंग क्लोसेट आ गया आपके, फुल हाइटेड अटैच आपको वॉशरूम मिल रहा है, और ये नेक्स्ट बेडरूम आ गया सेम जैसे नीचे आपने देखा। इस साइड जो है हमारे वार्डरोब से कॉमन जो है वॉशरूम हो गया, और इस साइड देखिए और बैक साइड भी आपको अटैच बालकनी मिल रही है। लाइक वेंटिलेशन का सनलाइट का कोई भी इशू नहीं आपको मिलने वाला, फॉल्स सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मिल रहा है यहाँ पे आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस घर को डिजाइन किया गया है एलिगेंट तरीके से। ये थर्ड बेडरूम जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर का थर्ड बेडरूम आ जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर जो है LED पैनल हमने लगा के दिए हुए हैं, AC की जो है वायरिंग डाल रखी है, फॉल्स सीलिंग डिजाइनिंग बहुत खूबसूरत मिल रही है, और इस साइड देखिए आपको स्पेस मिल रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन सनलाइट का कोई इशू नहीं आपको मिलने वाला, और इस साइड भी आपको अटैच बालकनी मिल रही है। लाइक हर रूम के साथ आपको अटैच बालकनी मिल रही है गाइस, एक मिनट में आपको शो करवा देती हूँ। ये देखिए जैसे फ्रंट से बड़ी बालकनी थी, ह्यूज बालकनी थी, वैसे बैक साइड से भी आपको मिल रही है, टैप्स की भी प्रोविजन दे रखी है। लाइक पूरा लग्जरी फील आने वाला है दोस्तों आपको इस घर में। अब चलते हैं टॉप फ्लोर की तरफ गाइस, आइए सॉरी टॉप फ्लोर से पहले मैं दिखा दूं वॉकिंग क्लोसेट, दिखाना मैं आपको भूल ही गई इस रूम का। ये देखिए ये आपका वॉकिंग क्लोसेट आ जाएगा, इस साइड आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया, और ये वॉशरूम आ गया। टाइल कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत जो है डिज़ाइन किया गया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से टाइल वर्क किया गया है। इस साइड जो है आप कॉलर की आपको फिटिंग मिल रही है प्रॉपर आपको जो है, ये देखिए यहाँ से लाइटिंग जो है चेंज हो जाएगी आपकी, मिरर वर्क भी बहुत ही खूबसूरत किया गया, वैनिटी बॉक्स देख सकते हो आप, रियली अमेजिंग। सो गाइस टॉप फ्लोर की तरफ चलते हैं अब हम, एक्चुअली अंधेरा थोड़ा हो गया, अगर विजिबल होगा प्रॉपर तो मैं आपको ज़रूर शो करवाऊँगी। सो गाइज दैट इज़ योर रूफ टॉप, बहुत ही स्पेशियस, लाइक बेसमेंट में तो आपको स्पेस मिल ही रहा है, रूफ टॉप पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिल रही है। प्रॉपर यहाँ पे जो है वाटर टैंक हमने दे रखा है, पाइपिंग वर्क आप देख सकते हो, A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस घर की रहेगी, बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है लग्जरी फील आने वाला है, और बहुत ही अच्छे तरीके से घर के एलिवेशन पे वर्क किया हुआ आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे बाय करने के लिए तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको ये घर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।